वेलकम टू स्टेप अप, आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 21 मई 2019। तो चलिए अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमारे पास ऐसे राइटिंग के लिए क्या है, लेकिन उसके पहले इम्पॉर्टेंट एक सूचना है, वो ये है कि यहाँ पर एक काउंसलर की आवश्यकता है। दो कंडीशंस हैं, पहली तो ये कि वो कोई भी UPSC का एस्पिरेंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता हो अथवा सकती हो। तो अगर कोई ऐसा है तो वो इस नंबर पे जो आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहा है वो कांटेक्ट कर सकता है अथवा कर सकती हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं, हमारे पास जिम रॉन का एक स्टेटमेंट है, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। आपको अपनी बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपको रहना है। जिम रॉन के स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप अपनी समझ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन बैचेस के बारे में है, 10 जून से बैचेस अनाउंस्ड हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं। 780 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अच्छी फैकल्टीज होंगी, कुछ लोग सेलेक्टेड होंगे, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे। इसके पैरेलल पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम भी चल रहा होगा, जहां पर आपके पास कोच होंगे जो टारगेट देकर सेल्फ स्टडी करवाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे, ओवरऑल आपको गाइड करेंगे, आपकी तैयारी के दौरान आपको मोटिवेटेड रखेंगे। ये सभी प्रोग्राम संजय मिश्रा सर के अंडर में चल रहे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशंस BSc और MBA है। MBA इन्होंने यूनाइटेड बिजनेस इंस्टीट्यूट बेल्जियम से किया है, 17 सालों से UPSC की फील्ड में है। अपने समय में दो बार 2004-2005 में सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं। पिछले 12 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और इन्होंने ही 2012 में प्रोफेशनली स्टेप अप IAS को लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल, बैग अ बार्गेन, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। आइए बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। देखिए, लगभग एक साल बीत चुके हैं जब US चाइना आपस में एक टैरिफ वॉर चलाए हुए हैं। इसके इम्प्लिकेशंस इंडिया के ऊपर क्या होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, इसके क्या प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ सकते हैं। हालांकि देखिए, जैसे देखने वाली बात होती है कि अगर एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, तो देखने का नज़रिया हो सकता है कि आप उस गिलास को या तो आधा खाली देख सकते हैं या आधा भरा देख सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही US चाइना का टैरिफ वॉर भी इंडिया के लिए है। कुछ नज़रिए से ये फ़ायदेमंद है, कुछ नज़रिए से ये नुकसानदेह है। मुद्दा ये है कि हम इसे देख कैसे रहे हैं। देखिए, इंडिया धीरे धीरे US की तरफ, जो इंडिया का सरप्लस था वो कम हो रहा है, बिकॉज चाइना के साथ इंडिया हमेशा डेफिसिट में रहता है, तो USA के साथ जो इंडिया का सरप्लस होता है वो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा कंपनसेट कर देता है। लेकिन अब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, दोज आर कंसिडरेबल। देखिए, जो सिमरिंग टेंशंस हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ के बीच में, उनके कुछ सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। नॉक ऑन इफेक्ट को आप सेकेंडरी इफेक्ट भी कह सकते हैं। एक तो प्राइमरी इफेक्ट होता है जो सीधे सीधे पार्टीज़ पर पड़ता है, कुछ सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं जो उन पार्टीज़ के इतर भी स्प्रेड हो जाते हैं और कुछ अन्य फैक्टर्स को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच, यानी कि USA और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर है, वो ग्लोबल ग्रोथ को भी नीचे लेकर जा रहा है, ग्लोबल ट्रेडिंग अरेंजमेंट को डिसरप्ट कर रहा है और प्रोडक्शन सिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है। इस तरीके से जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, या ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आप कह लीजिए, वो भी फ्रजाइल बना हुआ है। अब लोग थोड़ी अनसर्टेनिटी शो कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी वीक नज़र आ रहा है, वो कतरा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। उन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी पॉलिसी में कब बदलाव आ जाए, किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ इम्पोज कर दिया जाए, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अब पूरा जो मार्केट है वो वोलाटाइल हो चुका है। अब इससे देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट पहले जो 12.7% हुआ करता था, वो घटकर 5.5% हो चुका है। इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है USA के साथ, वो 2012 के बाद तेज़ी से बढ़ा है, मतलब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारा सरप्लस 2012 के बाद बढ़ता चला गया। हालांकि 2019 के फिस्कल ईयर में हमने ये देखा कि ये सरप्लस अब सिकुड़ रहा है, यानी कि कम हो रहा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ जो पहले 13.4% हुआ करती थी, वो भी घटकर 9.5% पर आ गई है। जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स USA के द्वारा लगाए जा रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर, और जिन प्रोडक्ट्स पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, वो हैं आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम। इन पर जो टैरिफ इम्पोज की गई है, उससे इंडिया को नुकसान हो रहा है, यानी कि इन्हीं कारणों से इंडिया का जो सरप्लस है वो घट रहा है। सरप्लस का मतलब ये होता है कि इंडिया USA को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था और इम्पोर्ट कम करता था। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो उस देश की जो करेंसी है या जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। अगर हम किसी ऐसे देश के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं जिसकी
नेशनल करेंसी डॉलर नहीं भी है वो भी ट्रेड डॉलर में ही करता है। तो डॉलर फॉरेक्स के तौर पे कलेक्ट किया जाता है इंडिया के आरबीआई के द्वारा। तो जब डॉलर का इन्फ्लो इंडिया में होता है तो उससे मजबूती मिलती है रुपए को, ठीक है, क्योंकि डॉलर की मात्रा अगर किसी भी मार्केट में ज़्यादा होगी तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी और रुपया मजबूत होगा, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। ये फ़ायदे हमें मिल रहे थे। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ तेज़ी से बढ़ता चला गया है। पिछले कई सारे डिकेड्स में जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो हमारा बढ़ा है, मतलब कि हमारे साथ जो ट्रेड होता है उसमें चाइना के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इस वजह से इंडिया से जो डॉलर है वो ज़्यादा चाइना में जाता है और आता कम है, इससे इंडिया को नुकसान होता है। लेकिन ये डेफिसिट अब धीरे धीरे 2019 में कम होता नज़र आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2019 के फिस्कल ईयर में जो इंडिया के द्वारा टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ रहीं वो कौन सी कमोडिटीज़ हैं? वो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉटन, केमिकल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिन पर चाइना ने इम्पोर्ट टैरिफ यूएसए के ऊपर लास्ट ईयर इम्पोज किया था, यानी कि अब यूएसए की कंपनीज़ इन प्रोडक्ट्स को अगर चाइना में भेजते हैं तो उन्हें ये काफ़ी महंगा भेजना होगा। ऐसे इंस्टेंसेस हमें इस ओर इंडिकेट करते हैं, चूंकि देखिए अब यूएसए इन प्रोडक्ट्स को चाइना में भेजना कम कर देता है तो उसके बाद ये प्रोडक्ट्स इंडिया से चाइना की ओर जाने लगते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस हमें ये बताते हैं कि जो वर्तमान में ये ट्रेड वॉर चल रहा है इसकी वजह से, जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेड डिस्ट्रक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे ट्रेड डाइवर्जन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये ट्रेड वॉर ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो इसके जो रिज़ल्ट होंगे वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि प्रोडक्शन बेस ही शिफ्ट हो जाए, या फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, वो रिस्ट्रक्चर हो जाए, उसका फिर से स्ट्रक्चरिंग कर दी जाए। प्रोडक्शन बेसिस के शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि अगर किसी ऐसी जगह पर प्रोडक्शन किया जा रहा है जहाँ से इम्पोर्ट करना, जहाँ से एक्सपोर्ट करना महंगा हो रहा है, तो उस स्थिति में वो किसी ऐसे देश में जाकर प्रोडक्शन करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे जहाँ से उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना सस्ता हो। चाइनीज़ फर्म्स ने, यानी चाइनीज़ कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्शन और अपने प्लांट्स को अन्य कंट्रीज़ में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया भी उनके प्रोबेबल प्लेसेस में से एक है, यानी कि वो कंपनीज़ इंडिया में भी आकर प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए पहली बार क्रिएट हुई है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया को पहले भी मिली हैं, जब ट्रेड वॉर नहीं शुरू हुआ था तब भी, जैसे कि कई सारी चाइनीज़ कंपनीज़ ने रेडीमेड गारमेंट्स इंडिया में तैयार करने शुरू कर दिए थे, लेदर गारमेंट्स, फुटवेयर्स, इनका भी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इंडिया में शुरू हुआ था। हालांकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब चाइनीज़ कंपनीज़ ने दूसरे देशों में जाकर प्रोडक्ट्स को तैयार करना शुरू किया, तो उसमें इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह गया और इसमें लीड ले ली वियतनाम और बांग्लादेश में। बांग्लादेश और वियतनाम ने इस फील्ड में लीड ले ली। अब चाइना से आखिर इसके पहले जब ये डाइवर्जन हुआ था तो क्यों हुआ था? तब कारण ट्रेड वॉर नहीं था, अब तो मान लीजिए ट्रेड वॉर कैन बी अ रीज़न। पहले वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर वो किसी ऐसी जगह जाकर प्रोडक्शन करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर वो सस्ते किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। अब देखिए, इन सारी बातों को समझने के बाद हम एक फंडामेंटल इशू पर आ जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया को एक्सपोर्ट पावर हाउस बनने से रोक रही है। पहली बात तो हम कॉम्पिटिटिवनेस में अभी भी काफ़ी पीछे हैं। कॉम्पिटिटिवनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो 2018 में निकाली गई उसमें इंडिया 58th प्लेस पर रहा, जबकि चाइना 28th प्लेस पर, यानी कि काफ़ी ऊपर है। वर्ल्ड बैंक के अगर आप लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 की बात करें तो इंडिया 44th रैंक पर रहा, जबकि कंपैरेटिवली चाइना 26 और वियतनाम 39 पर रहा। लैंड और लेबर रिफॉर्म्स भी इंडिया में अभी भी पेंडिंग है जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को हिंडर कर रहे हैं। अब देखिए, रैंकिंग्स की अगर आप बात करें, जैसे यहाँ पर बात की गई है, तो रैंकिंग्स के प्रभाव दोनों तरीके से होते हैं। मतलब अगर आपका वो फील्ड ज़्यादा बेहतर बनेगा तो रैंकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है तो वो फील्ड भी बेहतर हो जाता है। कैसे? क्योंकि फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, रैंकिंग उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपके सेक्टर का बेहतर होना है। क्योंकि अगर आपका कोई सेक्टर बेहतर हो रहा है, ओरिजिनल टर्म्स में बेहतर हो रहा है, तो रैंकिंग तो इम्प्रूव हो ही जाती है। तो वास्तविकता में तो हमें फोकस वहाँ करने की ज़रूरत है। दूसरा कारण यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में अभी भी बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड मार्केट है। वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस
रैंकिंग के तहत इंडिया को 77th रैंक पे अभी रखा गया है, जो कि कंपैरेटिवली चाइना 46 पर है, वियतनाम 69 पर है, मतलब कि काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। तीसरा कारण यह है कि इंडिया अभी भी ट्रेड एग्रीमेंट को बेहतर तरीके से बना नहीं पा रहा है, दैट्स वाई ग्लोबल वैल्यू चेन में या एक्सपोर्ट ग्रोथ में इंडिया वो एज नहीं ले पा रहा है जो बाकी अन्य देश ले पा रहे हैं। तो ये कारण यहाँ पे बताए गए हैं। यू हैव अ कंक्लूजन, इंडिया को प्रोएक्टिवली इन कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के सामने हैं, जो काफ़ी क्रूशियल हैं, उन्हें इंडिया को ग्रैब करने का प्रयास करना चाहिए। अब समय धीरे धीरे चैलेंजिंग आ रहा है, इंडिया को इसे डील करने के लिए तैयार रहना होगा। यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मींस, इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम US चाइना टैरिफ वॉर इफ इट प्लेस इट्स कार्ड्स वेल, डू यू एग्री? कॉमेंट करिए कि इंडिया US चाइना ट्रेड जो टैरिफ वॉर है उससे कैसे बेनिफिट अवेल कर सकता है। सवाल का जवाब 200 शब्दों में। चलेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की ओर, रिपल्स ऑफ अ क्राइसिस, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन से। NBFCs के ऊपर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है, NBFCs पर चर्चा करते हैं। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs, जिनके पास लोगों से पैसा लेने का अधिकार तो नहीं होता, लेकिन ये वेरियस सोर्सेस से फंड को कलेक्ट करते हैं, रीफाइनेंसिंग का काम करते हैं, वेरियस सेक्टर्स में पैसे को देते हैं, प्रॉफिट अवेल करते हैं। तो NBFCs का जो पूरा सेक्टर है वहाँ पर अभी हो हल्ला मचा हुआ है, फाइनेंशियल सिस्टम में दिक्कतें चल रही हैं। NBFCs के बारे में हमने पहले भी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं और NBFCs के सेक्टर में जो दिक्कत है इसका रिपल इफेक्ट अन्य सेक्टर्स में भी देखने को मिल रहा है, ब्रॉडर इकॉनमी में भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि इसके पहले हमने एक आर्टिकल देखा था कि कार की सेल्स में गिरावट आई है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि NBFCs अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया भी था कि जो NBFCs होते हैं वो कैसे फाइनेंसिंग करते हैं कार वगैरह की, वो म्यूचुअल फंड्स किसी इंडिविजुअल से पैसे लेते हैं और फिर वो कार वगैरह में फाइनेंस कर देते हैं आपको, उसमें जो उनको प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसी से वो प्रॉफिट अवेल करते हैं, जिसको जिसने उनको पैसे दिए हैं उन्हें भी प्रॉफिट देते हैं, अपना भी मार्जिन रखते हैं। NBFCs के सेक्टर में ये जो समस्या है इसे इंडिया में जो अभी लिक्विडिटी डेफिसिट चल रहा है उसके साथ भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि मार्केट में पैसे की कमी है। ये जो लिक्विडिटी डेफिसिट है ये हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि जो भी नई सरकार बनेगी उन्होंने कई सारे वादे कर रखे हैं तो वो उन वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा बहुत मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ ही जाएगा। लेकिन फिर भी फंडामेंटल क्वेश्चन ये तो बना ही रहेगा कि क्या इसका फ़ायदा NBFCs को मिलेगा। कुछ NBFCs जो बड़े हैं जैसे कि HDFC बैंक भी है और वो एक NBFC भी है, उसकी तरह भी परफॉर्म करते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज़ हैं जो तो फ़ायदा उठा लेंगी क्योंकि ये बड़े एंटरप्राइजेस हैं, ये NBFCs फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन बाकी NBFCs के लिए जो छोटे हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा कि वो जो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, बिकॉज जो बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो तो NBFCs को पैसे देने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पैसे लगाना रिस्की है। जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो लगातार NBFCs को लो लाइट में दिखा रहे हैं, इसकी वजह से भी उन्हें फ्रेश फंड्स तो मिल नहीं रहे हैं, लोग NBFCs को पैसे नहीं दे रहे हैं। कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, RBI इस इशू को एड्रेस कर सकता है। RBI को करना क्या है, वो एक NBFC के लिए स्पेशल बोरोइंग विंडो तैयार कर सकते हैं। देखिए, स्पेशल बोरोइंग विंडो वो NBFC के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास एक एज होगा कि वो RBI से कुछ पैसे ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर भी बना हुआ है कि आखिर अगर ऐसा कोई स्पेशल विंडो तैयार किया जाता है तो ये काम कैसे करेगा और इसके अगेंस्ट में क्या कोलैटरल रखेगी RBI, किस बेसिस पर NBFCs को फंड किया जाएगा और इसे कैसे वैल्यू किया जाएगा, ये कई सारे सवाल तो फिर भी हमारे सामने बने हुए हैं। शायद RBI लिक्विडिटी का रूट ही इस्तेमाल करे, यानी कि कुछ ऐसा करे जिससे कि मार्केट में रुपये का फ्लो बढ़ जाए। अगर मार्केट में रुपये का फ्लो बढ़ जाएगा तो फिर लोग NBFCs को भी पैसे देंगे, जैसे कि हर सेक्टर में, जैसा कि RBI ने पास्ट में भी किया है। अगर NBFCs को दिक्कत होती है तो वो सीधे सीधे NBFCs को हेल्प नहीं करते, बल्कि वो मार्केट में इनफ्लो को बढ़ा देते हैं, जिसका फ़ायदा इनडायरेक्टली NBFCs को मिल जाता है। ये पॉसिबल है कि जो छोटे NBFCs हैं या जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो बंद हो जाएं, या कुछ बैंक्स के साथ मर्ज हो जाएं, या कुछ को बैंक का लाइसेंस दे दिया जाए। अब ये सब तो तभी हो सकता है जब RBI चाहेगी, सेंट्रल बैंक की ब्लेसिंग से ही ये सारी बातें संभव हो सकती हैं। देखते हैं आने वाले समय में NBFCs के इस फील्ड को कैसे क्राइसिस से बाहर निकाला जाता है। हालांकि RBI को चाहिए कि NBFCs को क्राइसिस से निकालने के लिए वो जल्दी से जल्दी कुछ प्रयास करें, इसके पहले कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाए और पूरी इकॉनमी इससे प्रभावित हो। देखते हैं अगला आर्टिकल, द केस फॉर इनफॉर्मल रीजनल डिप्लोमेसी। यहाँ कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, इनफॉर्मल रीजनल डिप्लोमेसी। फॉर्मल रीजनल डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपस में बातचीत करते हैं या फॉर्मल मुद्दों पर बात होती है
तो वहां पर किसी पार्टिकुलर मुद्दे पर बातचीत हो रही है तो उसे फॉर्मल रीजनल डिप्लोमेसी आप कह सकते हो, या इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि रैंडम बात हो, ज़बरदस्ती किसी ऐसे मुद्दे को ना छेड़ा जाए जो कंटेंशियस है जिससे बात बिगड़ जाए। पेपर टू से आप टॉपिक को जोड़ लीजिए इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस वाले टॉपिक से, आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। देखिए सी राजा मोहन जी का ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं वो, तो उन्होंने तो अभी ये मान लिया है ओपिनियन पोल्स जैसे आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो फिर से सरकार में आएंगे, तो इन्होंने तो उसी एग्जिट पोल के बेसिस पे ये मान लिया है कि वो सरकार में आ रहे हैं और उसी को आधार बना के वो आर्टिकल भी लिखते हैं। उनकी पहली लाइन अगर आप ओरिजिनल आर्टिकल में पढ़ेंगे, वो लाइंस मैंने यहाँ से तो एलिमिनेट कर दी हैं बिकॉज वो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वो लाइकली है कि फिर से पीएम बनेंगे, तो उन्होंने जो पहले किया था वही उन्हें फिर से करने की आवश्यकता है। तो हम उस चीज़ को एलिमिनेट करके थोड़ा सा जनरलाइज करके बात करते हैं कि जो कोई भी नेक्स्ट पीएम बने उसे ये चाहिए कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ को बुलाए अपने इनॉग्रेशन में जब वो शपथ ग्रहण ले, जैसा कि अगर जैसा कि सी राजा मोहन जी के शब्दों में कहते हैं, अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ही बनते हैं फिर से, तो वो अगर इनॉग्रेशन करते हैं अपना शपथ ग्रहण लेते हैं तो वो फिर से जैसा कि उन्होंने 2014 में किया था वो सभी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के लीडर्स हैं उनको बुलाएं उसमें, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कस्टम बन जाएगा जो कि एक रिन्यूअल की तरह होगा कि जब भी इसके बाद जब भी कोई पीएम बनेगा तो वो आसपास के लीडर्स को बुलाएगा जब भी वो शपथ ग्रहण लेगा। तो इट इज़ नॉट दैट द न्यू इंडियन पीएम विल सिट डाउन फॉर negotiations। अब देखिए अगर हम आसपास के नेताओं को बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ बैठ के कंटेंशियस इशूज पर बातचीत करें, मुद्दों को रिजॉल्व करने का प्रयास करें, जो भी विजिटिंग लीडर्स हैं ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको बुलाइए, चिल करिए, आराम से बातचीत करिए, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी के तहत, मतलब उनसे रिलेशंस मेंटेन करने का प्रयास करिए, जो नॉर्मल मुद्दे हैं उन पर बात करिए। उन्हें बुलाकर करना क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करिए, म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करने की कोशिश करिए, पॉलिटिकल विल दिखाइए। सबसे ज़रूरी क्या होता है, जब भी आप किसी मुद्दे को रिजॉल्व करने का प्रयास करें, ये कंट्री के लेवल पे आप अगर आप समझना चाहते हैं तो वैसे समझ लीजिए, या फिर मान लीजिए आपका कोई दोस्त ही है उससे किसी मुद्दे पर थोड़ा सा विवाद हो गया है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करें, ठीक है, आपस में ट्रस्ट बन जाए। उस मुद्दे में क्या गलत हुआ, जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर विवाद था, रिजॉल्व हो नहीं पाता क्योंकि हम उस पर बात ही नहीं कर पाते, लगते हैं अब हमें बात ही नहीं करनी है, तो बात करने से पहले ज़रूरी ये नहीं होता कि आप सीधा जाके उसी मुद्दे पर बातचीत करने लगें, तब तो बात बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं। पहले आप मिलें, चाय पिएं, बातचीत करें, नॉर्मल हालचाल पूछें, घर वालों का हालचाल पूछें, और जब थोड़े बहुत लगे कि हाँ ठीक हो रही हैं चीज़ें, फिर आप उस मुद्दे पर बात करिए और देखिए कि क्या गलत हुआ था, उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल यही अप्रोच अपनाने की बात करते हैं सी राजा मोहन जी भी, कि आप उनको बुलाइए, प्यार से बात करिए, अच्छे दूसरे मुद्दों पर बातचीत करिए, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करिए, फिर बाद में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप कंटेंशियस इश्यूज को डील कर पाएंगे। हमारे जो अन्य पड़ोसी हैं उन्हें भी ये आइडिया अच्छा लग सकता है, जैसा कि हमने देखा कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी, इब्राहिम मोहम्मद सोली ने, उन्होंने हमारे इंडियन पीएम को उस समय इन्वाइट किया जो अभी वर्तमान में है मोदी जी, और उन्होंने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी किया, वो वहाँ पर गए भी थे। अगर 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आसपास के नेताओं को बुलाकर साउथ एशियन रीजनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया, तो एट द सेम टाइम उन्होंने शार्क की लिमिटेशन को भी फेस किया, जहां पर 2014 में काठमांडू समिट में बात बन नहीं पाई क्योंकि पाकिस्तान ने अंतिम स्टेज पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इंडिया के साथ किसी भी तरीके का इकोनॉमिक कोऑपरेशन शो नहीं करना चाहते थे। काठमांडू में मोदी जी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था कि जो साउथ एशियन रीजनलिज्म है इसे हम पाकिस्तान का हॉस्टेज नहीं बनने दे सकते, मतलब यहाँ पर हमें क्या करने की आवश्यकता है कि देखिए समझने वाली बात तो यह है कि हमें पाकिस्तान के सॉवरेन राइट को रिकॉग्नाइज करना होगा, ये उनकी इच्छा है कि वो किस देश के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, किस देश के साथ इंटीग्रेट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सेंसिबल कोर्स क्या है, वास्तव में क्या करना चाहिए, करना तो ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंटीग्रेट नहीं होना चाहता कोई बात नहीं, बाकी के जो देश हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो जाएं, मिलकर ये जो रीजनलिज्म है इसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें, पाकिस्तान जब कंफर्टेबल होगा, उसे ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है उसे भी जुड़ जाना चाहिए, तो वो जुड़ जाएगा, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। देखिए इंडिया लगातार मल्टीलैटरल मैकेनिज़म्स पर फोकस कर रहा है, इंडिया जो है सब रीजनल कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल आपस में मिलकर इस तरीके से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांस रीजनल कोऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल के पूरे रीजन में बर्मा थाईलैंड के साथ जो सब कॉन्टिनेंट है वो इस तरीके के और भी इंगेजमेंट्स शो कर सकता है।
लीडर सींग ईच अदर ऑन शॉर्ट नोटिस फॉर इनफॉर्मल कंसल्टेशन, इसके इतर अगर जो लीडर्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर इनफॉर्मल कंसल्टेशन करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, जैसे कि वो साथ मिलकर कोई एक क्रिकेट मैच देख लें या फिर किसी स्पेशल ओकेशन में जाके शामिल हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर उसे ज्वाइन कर लें। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी साउथ एशिया को एक आसान रास्ता दे सकती है जहां पर हाई लेवल के इंगेजमेंट को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, बड़े बड़े मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रस्ट का बेस बनाया जा सकता है और इसके लिए समय निकाला जाना चाहिए। वैसे तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अक्सर बहुत ही फॉर्मल डिप्लोमेटिक कैलेंडर में उलझे रहते हैं, जैसे कि कुछ समिट्स पहले से फिक्स होती हैं, ब्रिक्स की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, आसियान की, G20 की, UN की, वो तो इसके अलावा कुछ देशों के साथ फ्रेंडली एनुअल मीटिंग्स भी होती हैं, तो वो तो फिक्स होती हैं, उनमें तो उनको जाना ही पड़ता है। इसके इतर भी कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होनी चाहिए जिससे कि हम आगे एक ऐसा रास्ता तैयार कर सकें जहां पर चीज़ों को बेहतर तरीके से डील किया जा सके। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि जो इंडिया के PM हैं वो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से जब तक जो कंटेंशियस मुद्दे हैं जैसे कि आतंकवाद, कश्मीर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके अगर इन पे बात नहीं करनी है तो वो बात ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई रिटर्न रूल तो है नहीं, तो मुद्दा ये है कि पहले कुछ तो बात करें, पहले कुछ नॉर्मल बात होगी, थोड़ा ट्रस्ट बन जाएगा, फिर इन मुद्दों पर भी बात होगी। पाकिस्तान वैसे तो स्पेशल केस है, अब ये कहने पर कुछ लोग विरोध दर्ज कर सकते हैं, कुछ लोग आपत्ति जता सकते हैं। इनफॉर्मल हाई लेवल डिप्लोमेसी मदद कर सकती है इस पूरे रीजन को लिबरेट करने में, जो ये अनप्रोडक्टिव फॉर्मलिज्म चला आ रहा है, सार्क प्रोडक्टिव साबित हो नहीं पा रहा है, तो हम इससे निकल सकते हैं। बजाय इसके कि हम सार्क की सक्सेस के लिए प्रे करें, इंडिया को चाहिए कि वो इनफॉर्मल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाए और एक ऐसा रास्ता तैयार करने का प्रयास करें जिससे कि कोऑपरेशन को इन्हेंस किया जा सके। क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, व्हाट इज़ इनफॉर्मल डिप्लोमेसी? इनफॉर्मल डिप्लोमेसी से आपका मतलब क्या है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो मल्टीट्यूड है प्रॉब्लम्स का अभी इंडिया या इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में है, उसे सॉल्व करने में मदद कर सकता है? सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर मैंने कीवर्ड आपको नहीं दिया है, ऐसा करिए आप डिस्कस ही करिए, ठीक है? सिंपल सा कीवर्ड आपको देता हूँ, आपको डिस्कस करना है 200 शब्दों में। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, व्हाट डू यू डू टू मेक योरसेल्फ हेल्दी एंड फिट इन योर डेली लाइफ? अपनी दैनिक दिनचर्या में आप खुद को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? ये सिंपल सा सवाल आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। आप जो करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स।